हेलो गाइस, वेलकम टू सिग्मा। क्योंकि मैं फ्री फायर पे था और फ्री फायर अभी सस्ती हो चुकी है, मतलब वो पे टू इन हो चुकी है, इसलिए हम सिग्मा खेलेंगे। अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा छोटे दोस्त से। दिस इज माई क्या है बे, कितना हरामी नाम रखता है। चिंता मत करिए गाइस, इसको पता नहीं है मैं कौन हूँ। अब देखो, अब हम आपका मरने वाला हाईलाइट बनाएंगे, मोंटेज, वो भी डेडली मोंटेज। चलिए वैसे भाई हैं। वैसे भाइयों, इसका नाम पपाती है, मेरा नाम ठपाती है। आप हमको पपाती और ठपाती बुला सकते हैं। अनलिमिटेड रूम है गाइस, और ले ले ग्लोबल। और इसको शर्म नहीं आती, इतना स्लो स्पीड रखता है। बेशर्म, बेहयाम, बेगड़याम, बेगयाम, जो भी हो तू। वैसे गाइस इतना स्लो, मैं उसको भी कर लूंगा। ओ माय गॉश गाइस, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं गाइस, उसको पता नहीं, वो अपने बाप से लड़ रहा है। देखिए गाइस, वैसे वो एक हैकर प्लेयर है गाइस, उसको पता नहीं मैं कौन हूं। तो छुप के खेल रहा है। तो देखा गाइस, इसको कहते हैं छुपा रुस्तम। इस अटैक को मैंने परिस्तम नाम दिया है। वैसे वो अभी गुस्से में आ गए, चिंता मत कीजिए। नर्सरी का प्लेयर है, टाइम पास के लिए उसको दे देंगे चांस। वो चांस में डांस तो अभी एक में देखिए गाइस मैं कहता, हमेशा से कहता रहा हूँ, बच्चों को चांस देना चाहिए, वरना वो बुरा मान जाते हैं। और जब बच्चे बुरा मानते हैं तब जानती है कितने मतलब क्या बोलो, कितने फड़वे लगते हैं। गुस्सेदार तो बोल नहीं सकते। देखिए गाइस, ये बच्चा दिख ही नहीं रहा, कितना हरामी बच्चा है, दिखता भी नहीं है। बेशरम पे हयाम, निकल के मारूंगा साले। देखिए गाइस, वो सिर्फ ग्लू बॉलिंग कर सकता है, उसके अलावा उसको कुछ नहीं आता, इसलिए बस फिसड्डी होकर उधर ग्लू बॉल बैठा के रखा है। सिंपल बॉल तू वॉल के पीछे है ना। देखिए गाइस, ये मेरे पास में बैठा है, इसलिए मेरा फोन को देख के चीटिंग कर रहा है, शर्म नहीं आती। बेशरम, बेशरम, प्लस 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 ट्रिपल प्लस। इसको कैंपर का बॉल कहते हैं। चलो गाइस, अब मैं आपको दिखाता हूँ कैंपिंग का थर्ड स्टेप। वैसे गाइस, वैसे गाइस, हमेशा कैंपिंग में एक बात याद रखना, ये लोगों का कोई काम नहीं होता, ये बस ग्लू बॉलिंग करते रहते हैं। प्लेयर्स है फ्री फायर में, कैंपर्स नहीं है तो कुछ भी नहीं है, कैंपर्स है तो सब कुछ है। इन सबको पता नहीं है गाइस कि हम बड़े प्रो प्लेयर है। इन सबको हम दिखा देंगे कि हम कौन है गाइस, कैसे हम इनको कुत्ते की मौत मार के बताएंगे गाइस। आप देखिएगा, मैं इसको कुत्ते की मौत मारूंगा गाइस, देख लीजिएगा आप। मारूंगा गाइस, आप चिंता मत कीजिए, ये इसका पता भी नहीं होगा कि मैं किधर हूँ, कहाँ हूँ, कैसा हूँ, कर रहा हूँ। इसको तो ये भी नहीं पता होगा कि मैं पिज़्ज़ा और बर्गर एक साथ खा रहा हूँ। मैं इसको छोड़ूंगा नहीं गाइस, इसको पता नहीं मैं कौन हूँ, उसको पता नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा नुबड़ा भी मेरे से रिटेनिंग लेता है, क्योंकि मैं उससे भी बड़ा नुबड़ा हूँ। उसको पता नहीं है कि कैंपर की ताकत क्या होती है, उसको पता नहीं है गाइस, इसलिए मैं उसको नहीं छोड़ूंगा गाइस। आप देख लीजिएगा, वो जब भी आएगा मैं उसको ठोक दूंगा गाइस। आप देखिएगा, वो आने वाला है, वो आ ही रहा है, वो मेरे पास में ही है। डैम डैम डैम, और जोन आ गया उससे पहले, इसलिए गाइस अभी हम बाहर निकल कर फिर से डैडा करने वाले हैं। आप चिंता मत कीजिए गाइस, आई एम डैम श्योर वो कहीं पर तो कुछ भी कर रहा होगा, आई डोंट नो। जैसे कि आप लोगों ने सुन लिया गाइस, वो हग रहा है, उसको बेशरम, बेहयाम, बेडयाम, बेमायाम, जो भी बोलना है बोलते रहिए। मैं आपका दोस्त ठपीता, वो आई डोंट नो, आई एम नॉट। देखिए गाइस व्हाट्सएप पे कोशिश कर रहा है, बट उसको नहीं पता है।
देखा देखा दोस्तों, उसने हैक यूज किया अभी के अभी, उसने वन टैप पर ही दोनों बार वन टैप पर वो तेरी मैंने देखा गाइस, उसने ऑटो एम प्लस डबल हैक का इस्तेमाल किया है, उसने वॉल हैक यूज किया है, इसका मतलब ग्लू वॉल अपने आप लगने वाले उसके साथ है, तो तू चुप रहेगा। दूसरी बात गाइस, इसने मेरी लोकेशन की हैक यूज की है, जिसका मतलब मेरी लोकेशन इसको दिखती रहेगी। आप लोगों ने देखी रहा पहले, आप लोगों ने ये भी देखा था कि पहले दो राउंड में भी इसने मेरा लोकेशन देखा था, फिर भी ये इतना नुबड़ा है मेरे को मार भी नहीं पाता गाइस। अभी देखिएगा गाइस, ये नुबड़ापंती करके जरूर आएगा। आई बिलीव कि ये नुबड़ापंती करके रहेगा, क्योंकि ये जन्म से ही नुबड़ा था, पहले से ही नुबड़ा था, अभी भी नुबड़ा ही है। अभी गाइस मेरे दोस्त को गुस्सा फुस्सा मुस्सा सब कुछ आ रहा है, क्योंकि वो नुबड़ा, क्योंकि वो एक नुबड़े से हार रहा है। उसको पता नहीं, जब एक कैंपर को गुस्सा आती है तब वो प्रो प्लेयर से भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। हाय जार परा बस कोरी सुमो। सो गाइस, आई एम स्ट्रीमिंग नाउ, और उसने मेरी लोकेशन जान ली है गाइस। मैं भाग रहा हूँ गाइस, मैं और जोर से भाग रहा हूँ गाइस। वो मुझे मारने वाला है, ओ नो गाइस, हाइडिंग 99999+। देखा गाइस, उसने ड्रोन अभी के अभी छोड़ दिया है, उसको पता नहीं मैं कौन हूँ। मैं हूँ सिग्मा का सबसे बड़ा पिरो, पिरो पिरो से भी ज़्यादा पिरो, उससे भी ज़्यादा पिरो, उससे भी ज़्यादा पिरो, उससे भी ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा। किधर से ग्रेनेड ब्लॉक कर रहे हैं, बड़ा प्रो हूँ अपनी जान का। देखा गाइस, इसने फिर से यूज की कर गया। देखा गाइस, उसने फिर से हैक यूज करके मेरे को मार डाला, उसको पता नहीं है कि उसका बाप मैं हूँ, सच में नहीं पता है गाइस उसको। अब देखना गाइस, अब देखना गाइस वो ड्रोन रिलीज करेगा, और वो ड्रोन मेरे किसी काम के तो है नहीं, क्योंकि उसको नहीं पता एक प्रो कैंपर के पास ग्रेनेड भी और ड्रोन सारे, तुम सब कुछ लॉन्च करके देख लो, लेकिन तुम कभी भी एक प्रो प्लेयर को लॉक नहीं कर सकते, लोकेट नहीं कर सकते, तो पॉकेट भी नहीं कर सकते। देखा गाइस, उसने चीटिंग की है, उसने हैक किया है, उसने ड्रोन हैक यूज किया है, वो ड्रोन हैक यूज करके हैक कर रहा है। तो गाइस, वो मेरे पिछवाड़े पे शायद ऐसा लगता है। हाँ तो गाइस, उसने चीटिंग करके पोजीशन डायरेक्ट बदल ली, उसने ट्रांसपोर्ट चीटिंग का यूज़ किया है। उसको लगता है कि मुझे नहीं पता, बट मुझे पता है। आई डोंट नो उसने कहाँ से मुझको मारा, कैसे मुझको मारा, बट आई एम कॉन्फिडेंट कि वो चीटिंग कर रहा है। देखा गाइस, वो आसमान था मुझे गाइस, अभी वो नीचे आया है, मैं लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा है, उसको भी पता है, इसलिए वो खुद को ऐसे दिखा रहा है कि वो हैकर नहीं है, पर वो हैकर है। आई एम पपीता ऑन लाइव स्ट्रीम, मतलब लाइव स्ट्रीम तो नहीं, अरे सॉरी गाइस, वो मेरी माँ थी, मेरे दोस्त को शर्म नहीं आती, वो हैक यूज कर रहा है पूरे पैदा ही बेशरम होता है। आजा सामने आ रहा हूँ, आओ मैं तुम्हारे सामने हूँ। वो ड्रोन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मैं उन ड्रोन से भी ज़्यादा प्रो प्लेयर हूँ। तो गाइस, आई जस्ट नोटिस वो पपाड़ी वाला कहीं पर भी नहीं है, आई गेस वो सब जगह पर है, आई गेस मैं उसको ठोकने वाला हूँ गाइस।
देखिएगा उसने फिर से हैक किया है। मैंने उसको हैक पे हैक पे हैक पे हैक मारा था, लेकिन उसका फिर भी कुछ थोड़ा सा भी डैमेज नहीं हुआ। यही बात है तो आज तक लाइव स्ट्रीम इधर ही समाप्त होता है क्योंकि मेरा स्ट्रेस